हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी चिकन मंचूरियन। ठीक है फ्रेंड, तो चिकन मंचूरियन आप तो घर में बनाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट का जैसा टेस्ट वो तो नहीं आती है ना? तो मैं आज सिखाऊंगी कैसे बनाना है होममेड, रेस्टोरेंट जैसे टेस्ट आएगी चिकन मंचूरियन। वो इतना टेस्टी होगी, इतना टेस्टी होगी, क्या बोले। तो मैं आज सिखा दूंगी आप लोगों को जो रेस्टोरेंट जैसे जो आप खाते हैं चिकन मंचूरियन, वही वही वैसा ही टेस्ट आएगी। मैं 100% गारंटी देती हूँ ऐसा ही होगी। देखिए, तो मैं चिकन ले लिया, चिकन को मैं अच्छी तरह से धो लिया। उसके बाद मैं चिकन में जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बना लिया, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 टीस्पून। एक टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के ले लिया और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली और थोड़ा सा कसूरी मेथी और साथ में थोड़ा सा नमक, बस इतना ही सा। और मैं एक अंडा, दे दिया। आप अच्छी तरह से मिक्स मैरिनेट करना है मुझे। अंडा, जिंदा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, ठीक है, और कश्मीरी मिर्च, हल्दी, नमक के साथ मैं मैरिनेट कर लिया। आप इसको 30 मिनट्स के लिए कवर करके रखना है मुझे। 30 मिनट्स के बाद मैं दिखाओगी कैसे बनाना है, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में खाते हैं आप वैसा ही चिकन मंचूरियन। तो फिर मैं 30 मिनट्स के बाद आती हूँ। तो मैं 30 मिनट्स के बाद आ गई। देखिए, चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी। अब मैं कढ़ाई ऑन कर दिया। कढ़ाई में मैं ऑयल देती हूँ। देखिए, ऑयल डाल दिया मैं कढ़ाई में। और यहाँ पे देखिए, ऑनियन काट के रखी हूँ, यह है रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, टमाटो, ये गार्लिक है, छोटा छोटा टुकड़ा करके रखी हूँ, यह है जिंजर और चिली। यहाँ पे मैं जिंजर और अदरक का पेस्ट है, कश्मीरी मिर्च, हल्दी, कसूरी मेथी है, ये सब मैंने डाल के मैरिनेट कर दिया था। अब मैं इसमें दे रही हूँ कॉर्नफ्लावर। देखिए, कॉर्नफ्लावर के साथ मैं मिक्स कर लिया। अब मुझे ये सब फ्राई करना है, एक एक टुकड़ा।
देखिए मैं ये सबको पहले फ्राई कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे मैं बना रही हूँ आप भी घर में ऐसे ही बना रहे अगर बनाएंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आएगी। जस्ट 2 मिनट्स के लिए फ्राई करना है, उसके बाद मैं फिर से ये फ्राई करूँगी, बाद में दिखाऊंगी कैसे बनाना है। देखिए ये फ्राई हो चुकी है, मैं इसको पहले उठा लेती हूँ, ठीक है। मैं फिर से ये जो चिकन का टुकड़ा है फिर से फ्राई करूँगी। देखिए मेरी सब चिकन जो रखी हुई थी सब फ्राई कर लिया मैंने, ये भी मैं उठा लेती हूँ। ये फ्राई हो चुकी है और नहीं फ्राई करना है मुझे, तो मैं इसको उठा लेती हूँ। पहले मैं कढ़ाई से ऑल चिकन फ्राई करके रखी हूँ, देखिए फ्राई कर लिया मैं। अब मैं यही तेल पे, और नहीं मुझे ऑयल देना है, यही तेल पे ऑनियन गार्लिक और जिंजर ये दे दिया। अब इसको फ्राई करना है, 2 मिनट्स फ्राई करना है। मैं ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ, देखिए मैं हमेशा बहुत कम तेल से खाना बनाती हूँ, ऊपर से टेस्ट भी बहुत आती है। टाइम लगता है मेरी खाना बनाने से लेकिन टेस्ट आ जाती है। आप जब रेस्टोरेंट पे खाते हैं बहुत ऑयली होता है वो फूड, इतना ऑयली होता है अनहेल्दी हो जाती है। इसमें जितना कोशिश करती हूँ घर में बनाने के लिए वो बनाती हूँ घर में, जो मन करता है मैं घर में बनाने की कोशिश करती हूँ। ये 2 मिनट्स के लिए फ्राई करना है। देखिए मैं इसमें रेड कैप्सिकम, टमाटो, ग्रीन कैप्सिकम एंड चिली सब डाल दिया अभी, और इसे फ्राई करना है। ये भी 2 मिनट्स के लिए फ्राई करना है। टमाटो है, ये देखिए रेड कैप्सिकम है, रेड कैप्सिकम, टमाटो, ग्रीन कैप्सिकम और चिली सब एक साथ फ्राई करना है। 2 मिनट्स के लिए फ्राई करना है बस। बस 2 मिनट्स हो गई इसीलिए और मुझे फ्राई नहीं करना, तो मैं जो मिक्स कर रही हूँ आप देखिए, विनीगर 1 टीस्पून,
डार्क सोया सॉस 2 टीस्पून और ये है टोमेटो सॉस, ये भी 2 टीस्पून डालना है। तो मैंने विनीगर, टमाटो सॉस, डार्क सोया सॉस दे दिया। उसके बाद मैं दे रही हूँ सॉल्ट 1 टीस्पून। ये सभी के साथ मैं फ्राई कर लिया। अब मैं यहाँ पे जो फ्राई करके रखी हुई थी चिकन का टुकड़ा है वो मैं सब यहाँ पे डाल दिया। ऐसे 2 मिनट करना है। देखिए कितना सुंदर काला आ चुकी है। अब मैं इसको इसे थोड़ा सा पानी देंगे क्योंकि ग्रेवी करना है मुझे, इसीलिए तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं, जितना आप लोगों का ग्रेवी करना चाहिए उतना ही पानी, उसके हिसाब से पानी देना। बस मुझे इतना सा ही ग्रेवी चाहिए तो इतना सा ही पानी देती हूँ मैं। आप यह मैं कवर कर देती हूँ। ये बहुत इजी है, आसान है, सिंपल है, टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनेगी। देखिए कितना सुंदर कलर आ चुकी है। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और ज़्यादा नहीं 10 मिनट्स के लिए वेट करती हूँ, बस झटाझट फटाफट हो जाएगी। हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट्स के बाद दिखाती हूँ। तो फ्रेंड मैं 10 मिनट्स के बाद आ गई फिर से। देखिए आप ये एकदम रेडी हो गई। तो ये मेरा चिकन मंचूरियन देखिए रेडी हो गई। अभी मैं इसमें देती हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, ये टेस्ट और भी बढ़ जाएगी ये देने से। गरम मसाला देने से बहुत टेस्ट बढ़ जाती है और गरम मसाला देने के बाद ये तुरंत ऑफ कर देना चाहिए। देखिए मैं ऑफ कर दिया। अभी मैं ये बाउल में रख दूंगी। देखिए मैं बाउल में डाल चुकी हूँ।
कैसा लग रही है मेरी रेसिपी? अच्छा लग रही है ना, तो घर में जरूर ट्राई कर लीजिए, इतना बढ़िया टेस्ट आएगी कि आप बोले। तो आप भी घर में मेरी जैसे ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? चिकन मंचूरियन, ठीक है ना? आप जब घर में बनाएंगे तो देखिए रेस्टोरेंट जैसे टेस्ट आएगी, ठीक है? तो मैं आज चलती हूँ, टाटा बाय बाय, सी यू।